तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। अब ठीक है, ओके। तो गाइस, आज की बहुत बड़ी अपडेट लेके आओ डीडी फ्रेडिश के सभी ग्राहकों के लिए, जो कि खुद प्रसार भारती ने, मतलब जो शशि शेखर है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि दो चैनल लॉन्च हो चुके हैं। तो गाइस यार, मैं आपको बता दूँ कि ये दो चैनल एक मतलब अच्छे कैटेगरी के होने वाले, आप इसे देख सकते हो। लेकिन पूरा वीडियो देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलना। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो हेलो गाइस, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते होगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 61 ऑक्शन और नीचे MPEG 2Q लिखा है। तो गाइस यार, ये आपको मैं बता दूँ कि जो ये चैनल है इस 61 ऑक्शन में, मुझे पता नहीं ये जीत चुके हैं सच में या नहीं, क्योंकि जब आप इधर देख सकते होगे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि विन कौन से हुए चैनल, तो उसमें से पहला नाम है स्वराज एक्सप्रेस SMBC और दूसरा चैनल है संस्कृत 24/7। और मैं आपको बता दूँ कि इसके अभी ये देखिए, आप इस पे पढ़ सकते हैं 2 न्यूज़ चैनल स्वराज एक्सप्रेस SMBC एंड संस्कृत 24/7 आर कमिंग ऑन डीडी फ्रेडिश प्लेटफॉर्म फ्रॉम 5 जुलाई 2022। और ये खुद डीडी फ्रेडिश के ओरिजिनल ट्विटर वेबसाइट से मिली। और मैं आपको बता दूँ कि इधर दिखाया जा रहा है कि जो दो चैनल है वो 5 जुलाई से आपको डीडी फ्रेडिश पर देखने को मिलने वाले। लेकिन गाइज, हमें अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि ये 61 ऑक्शन का रिजल्ट है या ही ये बिना ई ऑक्शन के आ रहे हैं, इसकी अभी कोई पता नहीं चला। और इसका हम लोग जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे ढूंढने का। और ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमारे चैनल ने आपको दी है, आर्यन फ्रीडिश, और बाद में सभी लोग वीडियो बनाएंगे, इसलिए मैं इधर ही अपना वीडियो कंक्लूड कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि ये दो चैनल आपको 5 जुलाई से देखने को मिलने वाले और ये कन्फर्म है। बस हम ये मैं जल्दी पता लगाऊंगा कि 61 ई ऑक्शन का रिजल्ट है या नहीं। तो जैसे ही मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस यार, आज की वाली वीडियो बस इतना ही। आपको ये वाले अपडेट मुझे कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलना, लाइक करना भी मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो नाउ वी विल कंक्लूड आवर वीडियो एंड थैंक्स फॉर यू नो व्हाट आई विल डू वॉचिंग।